नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आज के इस वीडियो में ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जो सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि सभी लेटेस्ट जो भर्तियां हैं उन सभी से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई हैं और जिनके आदेश जारी हुए हैं, वो हम इस वीडियो में एक एक करके आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दें अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में। साथ में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को, इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें। और एक महत्वपूर्ण जानकारी भी है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उससे ज़रूर जुड़ जाइए। अगर उस ग्रुप से आप जुड़ जाएंगे तो दिन भर की जो महत्वपूर्ण सूचनाएँ होती हैं वो हम शेयर करते हैं, वो आप तक ज़रूर पहुँचेंगी। 2003 से पहले जन्म लेने वालों को 1 मई से लगेगा टीका, पंजीयन आज से। जी हाँ, 18 वर्ष से ऊपर सभी लोगों को जो टीका है कोरोना का वो आज से लगना यहाँ पर बताया गया है। पंजीकरण जो उसका है वो शुरू कर दिया गया है। वैक्सीन सुरक्षित है ऐसा डॉक्टरों का कहना है और ऐसे करें रजिस्ट्रेशन, कोविड आरोग्य सेतु ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन होगा। इस ऑनलाइन यानी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पर अस्पतालों का, टीकाकरण केंद्रों का, सभी चीज़ें वहाँ सुविधाएँ दी रहेंगी कि कैसे आपको कहाँ पर पास पड़ेगा, वहाँ पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आज से 2003 के बाद जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है वो सभी लोग यहाँ पर आज से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अगर आप इच्छुक हैं तो रजिस्ट्रेशन करिए। कोरोना एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन आप खोल सकते हैं या जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर आप रजिस्ट्रेशन इसके लिए कर लीजिए। कोरोना की स्थिति धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और जैसी अपडेट है उस अपडेट के अनुसार अप्रैल अंतिम है और मई में कोरोना, मई जून में अपने पीक पर होगा और बहुत ज़्यादा स्थिति आपको ख़राब देखने को मिलेगी। इसकी स्थिति सामान्य की अगर बात करें तो जुलाई के बाद ही काबू में इस बार कोरोना होगा और 12 राज्य ऐसे हैं जहां पर पिछली बार पीक पर नहीं था लेकिन इस बार रहेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश भी एक राज्य ऐसा है। जुलाई के आसपास ही गिरावट की जो दरें हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर संभव बताई गई है कि धीरे धीरे गिरावट दिखने को आपको मिलेगी। ये खुद IIT कानपुर प्रोफेसर में कुछ लोगों के सूत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है। और यहाँ पर हम बता दें कि इस कारण से मई जून में इसकी स्थिति इतनी ख़राब होने के कारण एडेड जूनियर, TGT या UPTET, CTET जैसी बड़ी और महत्वपूर्ण जो परीक्षाएँ थीं वो आप बिल्कुल भी उम्मीद मत लगा के रखें कि अब वो जुलाई से पहले परीक्षाएं होंगी। उनकी तिथियों में अब आगे आपको 2-3 महीने का और बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जब स्थिति इस हिसाब से रहेगी तो जल्द से आपको यहाँ पर परीक्षाएं देखने को नहीं मिलेगी। और जैसी अपडेट भी बहुत सारे लोगों के माध्यम से मिल रही है कि अभी चुनाव हैं, चुनाव के कारण ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन चुनाव समाप्त होने के बाद लॉकडाउन जैसी स्थिति भी आपको देखने को मिल सकती है भारत में, उत्तर प्रदेश में, हर स्थान पर। तो इस सब स्थिति में परीक्षाएं हो पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएंगी। देश और प्रदेश की बहुत सारी परीक्षाएं स्थगित हुई लेकिन राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय बनेंगे PCS परीक्षा केंद्र, लेकिन PCS की जो परीक्षा है उसे स्थगित नहीं किया गया है। और यहाँ पर बताया गया है कि UPSC की ओर से 13 जून को जो प्रस्तावित है परीक्षा, PCS प्रारंभिक परीक्षा, वो करवाई जाएगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 13 जून को प्रस्तावित सम्मिलित राज्य प्रमुख प्रवेशा अधिनियक्ष सेवा PCS प्रारंभिक परीक्षा 2021 एवं सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी, ये सभी परीक्षाएं जो हैं उनकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आयोग ने 23 जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर केंद्र के लिए प्रस्ताव भी मांग लिया है। आयोग के सचिव जगदीश की ओर से भेजे गए पत्र में सलाह दी गई है कि परीक्षा केंद्र बनाने में सरकारी एवं सहायता प्राप्त जो विद्यालय हैं उनको वरीयता दी जाए। पत्र में शहर के भीतर के विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाने का भी सुझाव दिया गया है। कुल मिलाकर इस पर पूरी तरह से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और 13 जून को जो संभावित परीक्षा है, जो तिथि है, उस तिथि को ये परीक्षा कराई जाएगी। तो कुल मिलाकर बड़ी बड़ी परीक्षाएं स्थगित हुई लेकिन जून में ये जो परीक्षा प्रस्तावित थी ये परीक्षा जरूर होगी।
जो गरीब देशवासी हैं उनके लिए यहाँ पर अच्छी अपडेट है, क्योंकि एक बार फिर से राशन एवं खाद्य सुरक्षा भत्ता देने की तैयारियाँ हैं वो शुरू कर दी हैं भारत सरकार ने। कोरोना संक्रमण के कारण यहाँ पर पीएम मोदी जी के द्वारा अभी पिछले कुछ दिनों में घोषणा की गई थी कि आने वाले 2 महीने यानी मई और जून, जैसा कि मैंने बताया कि आपको यह 2 महीने स्थिति बहुत ही ख़राब देखने को मिलेगी और यहाँ पर लॉकडाउन जैसी स्थितियाँ भी देखने को मिल सकती हैं 2 मई के बाद। इसलिए इन 2 महीनों में फ्री राशन देने की यहाँ पर घोषणा की गई है 5-5 किलो सभी को, तो यहां पर देखिए ये आपको जल्द ही देखने मिलेगा। साथ में एमडीएम की यहां पर भी बात की गई है कि एमडीएम के जरिए जो छात्र हैं जो विद्यालय नहीं जा रहे हैं उनके अभिभावकों के खातों में जो उनका पैसा है वो भेजा जाएगा, तो वो कुछ खास ज्यादा राहत नहीं मिलने वाली है क्योंकि 500-600 रुपए ही साल का बनता है, तो वो जो आपका पैसा है उनके खातों में भेजा जाएगा। साथ में यहां पर राहत सामग्री जो मैंने आपको बताया वो भी यहां पर गरीबों को दी जाएगी। 12,460 शिक्षक भर्ती में संबंधित जितनी भी जो भी अपडेट्स रही हैं वो लगभग मैंने आप सभी के साथ शेयर की हैं, और जो भी आपके लगातार कमेंट्स आए हैं उसको भी मैंने आपको बताया है कि क्या स्थिति है, क्या स्थिति रहने वाली है और कब तक भर्ती प्रक्रिया संपन्न होगी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अब समझौते पर भी मैंने आपको सारी अपडेट दे दी हैं कि 51 जनपद की जो भी टीमें हैं और साथ में जो 0 जनपद के टीम मेंबर हैं उन सभी दोनों टीम्स की जो सहमति है वो पूरी तरह से बन चुकी है कि काउंसलिंग प्रक्रिया एक साथ शुरू होगी, और लेकिन 1300 सीटों को रिजर्व किया जाएगा 51 जनपद के, बाकी सभी सीटों पर एक साथ सभी को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। सीटों की स्थिति क्या है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिए। तो कुल मिलाकर भर्ती प्रक्रिया अगर कोर्ट से ना होकर अधिकारियों के माध्यम से शुरू हो जाती है, कोरोना की स्थिति जैसे जुलाई के बाद सुनने में आया है, अभी भी मैंने आपको अपडेट दिया है कि जुलाई के बाद स्थिति सामान्य होगी, तो जुलाई के बाद जैसे ही स्थिति सामान्य होती है और ये प्रक्रिया शुरू होती है अधिकारियों से वार्ता के बाद, तो आपको आने वाले कुछ महीनों में नियुक्ति पत्र सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर दिए जा सकते हैं, ऐसी सूचनाएँ हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, बहुत सारे अभ्यर्थियों के निराशाजनक कमेंट भी आते हैं, तो आप धैर्य रखिए थोड़ा सा और जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। हम लगातार आपको वीडियो के माध्यम से सूचनाएं भी दे रहे हैं, आप इस पर जो भी आप कमेंट हैं आपके सवाल जो हैं वो आप सवाल जरूर कमेंट के माध्यम से पूछिए ताकि आपके सवालों के जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दे सकें। 69,000 शिक्षक भर्ती पर लगातार नए नए आदेश देखने को मिलते हैं। एक नया आदेश 26 अप्रैल 2021 को भी देखने को मिला शिक्षा निदेशक बेसिक के द्वारा समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारियों को, विषय है 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत नियुक्त एवं अंतर जनपदीय स्थानांतरण में स्थानांतरित शिक्षकों के संबंध में ये आदेश जारी किया गया। यहाँ पर 3-4 महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। यहाँ पर कुछ जो जन स्थानांतरण हुए हैं उनके जो प्रमाण पत्र हैं उनके सत्यापन को लेकर, कुछ जो फर्जी चिन्हित शिक्षक हुए हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही को लेकर यहाँ पर कहा गया है। साथ में 69,000 शिक्षक भर्ती में जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं उनके जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर बातें कही गई हैं, और जो फर्जी पाए जाए उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की भी बातें यहाँ पर कही गई हैं। साथ में जो भी नवनियुक्त शिक्षक हैं उनका मानव संपदा आईडी जल्द से जल्द तैयार करने की बात यहाँ पर कही गई है, और उनका जिनका भी विद्यालय आवंटन नहीं हुआ है, कुछ 69,000 शिक्षक भर्ती में ऐसे भी अभ्यर्थी थे जिनमें कुछ त्रुटियाँ थीं जिस कारण से उनका विद्यालय आवंटन नहीं हुआ, उनकी भी बातें कही हैं। जल्द से जल्द अगर सही है उनके सभी प्रमाण पत्र तो उनको विद्यालय आवंटन करवाया जाए, और उसके पश्चात जो अनुपस्थित या किसी विसंगति के कारण सीटें खाली रह गई हैं उन सभी सीटों का एक्सेल सीट पर डेटा भी बेसिक शिक्षा को भेजा जाए, ताकि थर्ड काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है उसकी एक डेटा सीट तैयार की जाए कितने रिक्त पद हैं वाकई में, और वैसे उम्मीदें बताई गई थी कि लगभग 5100 से 6400 हैं, तो उन रिक्त सीटों का सही डेटा प्राप्त हो जिस कारण से मेरिट को डाउन करके आगे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जा सके। साथ में नवनियुक्त शिक्षकों की सैलरी की भी बात की गई है कि उनको सैलरी भी जल्द से जल्द उनकी जारी की जाए सत्यापन कराकर, तो इस आदेश में ऐसी बहुत सारी ये चीज़ें बताई गई हैं जो कि मैंने आपको बता दी। बाकी इस आदेश को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो तुरंत इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उससे जुड़ जाइए, वहां पर यह आदेश मैंने डाल दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये आज की कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी, तो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा।